वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग दरभंगा बिहार में हम लोग शूट कर रहे हैं। तो आज दरभंगा मतलब बिहार में दूसरा तारामंडल का उद्घाटन हुआ था कल। श्री नीतीश कुमार जी आए थे, उद्घाटन करने गए थे, लेकिन किसी कारण मैं शूट नहीं कर पाया था कल। लेकिन कल तो जाना था, कल ज़्यादा बेटर होता। खैर लेट ही सही, लेकिन आज आप लोग को बिहार के दरभंगा में दूसरा तारामंडल इनॉग्रेट हुआ है, उसको दिखाएंगे, पूरा कवर करेंगे इंशाल्लाह। जितनी चीज़ें हो सकेंगी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, जो भी चीज़ होगी। बहुत खूबसूरत बना है, वाकई बहुत खूबसूरत बना है, बहुत दिन से बन रहा था, तो प्लान भी था हमारा कि वो बन जाएगा, तो ज़रूर आप लोग को दिखाएंगे उसमें। तो चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है घर से मेरे, अप्रॉक्स 15-20 मिनट बाइक से लगेगा निकलने में। तो हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, तो बस यहाँ से निकलते हैं। बाकी लोकेशन मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बाकी इस तरह से बने रहिए आगे, जैसे जाते हैं दिखाते हैं, लोकेशन बताएंगे आपको, सारी चीज़ें दिखाएंगे। यूँ इस तरह से मेरे साथ बने रहिए। दरभंगा तारामंडल के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और यहाँ भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा, काफ़ी क्राउड है यार चारों तरफ। काफ़ी मुश्किल के बाद यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो आगे देख सकते हैं बहुत बहुत भीड़ है आगे, बहुत ज़्यादा। हम लोग इस लोकेशन पे पहुँचे तारामंडल पे, लेकिन पता चला कि यार मतलब बंद है अभी फ़िलहाल, तो मतलब एंट्री क्लोज है अभी पब्लिक के लिए। पता नहीं क्यों, रीज़न तो नहीं पता, मतलब पूछे उनसे तो कुछ क्लियर बता नहीं रहे हैं। वैसे बाहर से देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ लोकेशन आपको, अगर हम लोग देख काम कुछ चल ही रहा है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, ज़बरदस्त। यह तारामंडल दरभंगा का व्यू, ये लोकेशन है काफ़ी बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखते हैं, कोशिश करते हैं और अंदर जाने दिया जाए तो ज़रूर आप लोग के लिए कुछ और कवर करना चाहें कवर कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। बाकी ये खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत व्यू लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ से लग रहा है। तो अंदर का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कैसा होगा। लोग आए हैं बाहर से ही देखकर निकल जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, पता नहीं क्यों।
एंजॉय किया। उसके बाद भूख बहुत ज़ोर की लग गई थी, चाय वाय पीना था, तो यहाँ दिल्ली मोड़, हम लोग दिल्ली मोड़ के पास आए हैं ये लोकेशन पे। यहाँ काफ़ी चाय अच्छी रहती है, चाय हुक्का जारी करके है। तो अंदर हमारे भाई लोग हैं, चलते हैं अंदर, चाय वाय पीते, कुछ खाते वाते हैं, फिर निकलें घर के लिए। यहाँ से हम लोग का चाय आ चुका है बस, और भाई लोग चाय का मज़ा ले रहे हैं, तो बस चाय पीते हैं और मज़ा लेते हैं चाय का। बहुत थक गया था, चाय की बहुत सख्त ज़रूरत थी हमें। ये रेस्टोरेंट है, देख सकते हैं, चाय हुक्का बार, काफ़ी अच्छा रिव्यू तो अच्छा दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहा, जो भी चीज़ मैगी वैगी रोल वोल चाय वाय पिए, जो भी बढ़िया रहा इनका। गाइस हम लोग का मैगी रोल आ चुका है, भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, तो सोचे कि कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो बस ये इस्माइल भाई का ये हमारे शहबाज भाई, शादमान भाई, और नाम भूल लिया आपका, उसामा भाई, ये चार भाई हम लोग हैं। बस मैगी रोल खाते हैं और चाय आता है तो बस पीते हैं, यहाँ से निकलते हैं। यहाँ का वैसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, वैसे ये हम लोग आते रहते हैं दिल्ली मोड़ के पास, तो बस निकलते हैं यहाँ से, खाते हैं और बस हम लोग चाय वाय जो भी घर का फला खाना था खा कर निकल रहे हैं बस यहाँ से घर के लिए। तो बाकी आज तो सही से वीडियो शूट नहीं कर पाए, वहाँ का एंट्री नहीं था तारामंडल का, तो इंशाल्लाह अगर जब भी अगर फुल्ली मतलब पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी, तो फिर ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे, ले चलेंगे वहाँ जब भी होगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द हो। और सबसे पहले कैप्चर करेंगे, वहाँ ले जाएंगे आप लोग, दिखाएंगे सारा, एक्सपोज करें अंदर का। तो बाकी इस तरह से यही रहा आज का सारा कुछ, बाकी अपना लाइक अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा हमारे वीडियो को।